लगता है लड़कों को किस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बूब्स की एस? दरअसल की दिया आप तो हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, और एक महीने से हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सबके आती है, पर इन सबको हटा के अभी हम लोग आज एक ब्रांड न्यू वीडियो ले आए हैं गाइस, जिसमें मायशा मुझसे मैंने मायशा से किया था दूसरी क्वेश्चंस करने वाली हूँ, साथ में बोलती है। हाँ चलो, फिर तो आज मायशा करेगी, अभी मैंने किया था, अभी मायशा करेगी। चलो, ऐसे क्वेश्चंस करने वाली हूँ जिससे इसको बहुत ज्यादा जोर से बोलो, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस करने वाली हूँ जिससे शेख को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होगा, और बहुत स्पाइसी क्वेश्चंस है और जूसी क्वेश्चंस है। लेट्स गेट इन द वीडियो। ये वीडियो खाली एंटरटेनमेंट के लिए गाइस, अलग वे से मत लेना। ये वीडियो 18 प्लस। स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव ड्रीम्स अबाउट अदर फीमेल? कभी दूसरी लड़कियों के लिए सपना आया है आपको? नहीं। खाओ का सब दूसरी लड़कियों के लिए कैसे सोच सकते हैं, जीना नहीं है क्या? सपने तो कसम अभी डरा रही है, सपने देखूंगा तो नहीं पता कितना डरा रही है। नहीं नहीं, ऐसे कोई सपने नहीं है, ऐसी कोई मेंटेलिटी कभी नहीं आई है, कभी नहीं, कभी भी नहीं। सच्चे सच्चाई ऐसे मेरी कसम खा के बोलो, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। ये सब नहीं सोचता हूं अभी, मतलब पहले ही मन मुझे स्टोरी चाहिए। कोई भी भाई ऐसे कोई कहते हैं ना, जो भी एक्टर्स हैं कोई ऐसे एक्ट्रेस, पर ऐसे कभी नहीं सोचा हमने। सपना आया था? ऐसा कोई सपना नहीं आया। नहीं भाई, हमारे सपने कोई भी नहीं आती है, कसम से नहीं आती। मुझे सपना याद रहता है कि कोई लड़की आई है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कसम से कुछ नहीं। वाइफ चल झूठा झूठा लड़की गर्लफ्रेंड थी यार, पहले तो वाइफ आते थे। गर्लफ्रेंड थी यार, वाइफ पहले गर्लफ्रेंड थे ना, वाइफ तो बाद में बने ना। डज इट पेन एट फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव सेक्स? नो। नहीं होता है? नहीं। लड़कों को पेन नहीं होता? नहीं होता। प्लेजर होता है वो? नहीं, पेन होता ही नहीं। तो वही मैं पूछ रही हूँ, प्लेजर होता है दो समझो, पर लड़कों को नहीं होता पेन। बेशरम, दो मिनट के लिए सोचे पड़ गए। चलो ओके ओके लिसन, देखो एक बोले भी बहुत शर्म। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। तो लड़कों को किस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बूब्स की एस? नहीं लड़कों को क्यों, आपका किस में इंटरेस्ट है ये बताओ। फर्स्ट बोले, शर्म आ रही है। मोस्टली लड़कों को ज्यादा नहीं पी रहता है। चलो चलो कोई बात नहीं, जूसी है यार गाइस, जिसको लगे कि नहीं आना तो बंद कर दो, मत देखो आगे। कोई ना कोई स्टोरी रहती है जब फर्स्ट टाइम आप मास्टरबेटिंग ट्राई करते हो, या क्या है कुछ? एज नहीं बोल सकते, बट हाँ15 साल नेचुरल गाइस।
को पता कि नहीं था आज तक कभी पहले पूछे ही नहीं कभी एनीवेज इंटरेस्टिंग है बहुत मेरे को बहुत कुछ जानने भी मिल रहा है ए इतनी शक्ति माय गॉड हैव यू डन फोन सेक्स नो ओए मेरे साथ क्या कर रहा था तू फोन यस कितना कंफ्यूजिंग आंसर था ये पहले मैंने जानबूझ के नो बोला मार्शा के रिएक्शन देखने के लिए मैंने कहा यस ओके आई एक्सेप्ट व्हाट अबाउट माय मॉर्निंग ब्रेथ गुड क्या गुड मेरी सुबह की बदबू आपको अच्छी लगती है जरूरी है वो बदबू हम लोग रात को ब्रश करके सोते हैं कभी नहीं करके सोते हैं जरूरी हो क्या बदबू गुड सो स्वीट लव यू Do you still feel attracted to other girls? सच्ची बताना क्या अभी भी आपको किसी लड़की को हम अट्रैक्ट नहीं होते जो कि अभी लाइफ का कुछ अलग गोल्स है तो लगता है पहले अपने गोल्स पे फोकस करो जो कि ये सब चीजें अब करने की जरूरत नहीं है शादी के लिए हम नहीं होते अट्रैक्ट ना बताओ मुझे ऊपर बताओ एक बार एक लड़की की बहुत है जब वीडियो देख रहे थे कभी कहीं पॉसिबल ही नहीं हम नहीं होते मैंने देखा था और आप को दिखा भी रहे थे नहीं हम नहीं होते पॉसिबल ही नहीं है इम्पॉसिबल ये सच्चा है बहुत सही बोल रहा है कुछ फायदा होना है क्या अट्रैक्ट होगा साले मतलब फायदा चाहिए कोई मतलब ही नहीं है ना अट्रैक्ट किसी से क्यों होना अपना एक अपना लेवल होना चाहिए अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए इंसान के अंदर Most awkward place we have had kissed. कुछ awkward नहीं लगता हम तो कर लेते हैं वैसे देख के. ऐसे वाले नहीं. तो मैं foreplay बोलूँ तो समझोगे? नहीं. Anal sex बोलूँ तो समझोगे? तो मैंने उसको short में किस वाल किस तरीके से बोला ना? मतलब हमको तो कोई भी जगह ऐसी awkward लगी नहीं हमारी life में हमने किया है क्योंकि आपने हर कोना पकड़ा है I'm very romantic guys चलो 24/7 romantic What's the one thing you love with me in bed? One thing? ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप मेरे साथ बेड में पसंद करते हो? Hug करना दिल से गले लगा कर सोना ठीक है मोर फन इज हैविंग सेक्स विद और विदाउट प्रोटेक्शन बोथ विदाउट एक बताना है यार विद और विदाउट ऑफ कोर्स विदाउट व्हाट डू यू नोटिस व्हेन यू सॉ मी फर्स्ट पहली बार जब आपने को देखे थे तो आपने मेरे में क्या नोटिस किया था वो थोड़ा जूसी स्टाइल देखो जूसी स्टाइल में तो नहीं बता सकते बट हाँ रियलिटी बता सकते हैं कि हमने क्या नोटिस किया था एक क्यूटनेस ठीक है कोई स्लिम लड़की नहीं चाहिए थी हमको तो फिट होनी चाहिए लड़की ठीक है स्लिम नहीं चाहिए थी हमको चबी थी मैं हाँ चबी क्यूट मतलब चबी लड़कियाँ ज्यादा क्यूट होती है हमारी जो थिंकिंग थी और है आज भी और शॉर्ट हाइट टॉल बॉय शॉर्ट हाइट परफेक्ट जो कि मैं ऐसा सोचता था कि लड़की मेरे यहाँ तक आए हग करने में उसको मेरी हार्ट बीट सुनाई देगी ठीक है और नहीं ये हमारी फीलिंग्स थी ड्रेसिंग भी हमको अच्छी लगी थी वाइफ की ठीक है बस इतना ही था जो हमने नोटिस किया था आपको मेरा लुक्स अच्छा लगा सब सब वेयरिंग अच्छी लगी हाइट परफेक्ट थी और चबी थे और बस स्माइल दिए मेरा जीभ कट गया ओके व्हाट इज माय फेवरेट फ्लेवर फ्लेवर चोको बार इतना तो बता नहीं पड़ेगा व्हाट इज माय चोको बार
चोकोबार आइसक्रीम हो भाई, चोकोबार ही खाते हो। ठीक है गाइस, इससे भी बहुत शातिर निकला। आपको पता है मैंने आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा है, देखो व्हाट इज माय फेवरेट फ्लेवर। फिर आप जब आंसर देते हो ना, मैं बोलती अरे मैंने आइसक्रीम का पूछा सच्ची में आइसक्रीम। और आपने आंसर भी वीडियो बहुत शातिर हो। क्योंकि यार कल ही मायशा ने बोला कि मेरे को आइसक्रीम खानी है, तो जो दूध वाली आइसक्रीम खाती ना वो खड़ा था सामने वाला, तो भी इसने बोला कि नहीं मुझे चोकोबार खानी है। तभी कल की बात थी तो इसलिए आज दिमाग में आ गई। ओके लास्ट क्वेश्चन, बिकनी और नाइट वेयर्स? नाइट वेयर्स नहीं, बिकनी। क्यों? ऐसे ही बस, क्यों क्या भाई, क्यों बस? नहीं बट क्यों बस, ऐसे ही कपड़े है। वाह यार, हम जो बोले ना क्यों क्या, क्या डिटेल में क्या किताब लिखने है एक, क्यों लव यू। तो गाइस मायशा के ये थे बहुत जूसी, बहुत ज्यादा जूसी थे। कहां से भाई, लेकिन आपको शर्म तो आती नहीं, आप तो ऑकवर्ड फील ही। यस इट्स मी। मजा आया गाइस, मुझे ज्यादा मजा आया सुन के। बट ऐसे लग रहा था क्वेश्चंस ना मेट्रो की स्पीड में जा रहे हैं कि मैं जवाब देते जा रहा हूँ। जो पहले वाली जूसी थी उसमें लोगों ने बोला था कि पार्ट टू चाहिए, तो मैं ले आऊंगा पार्ट टू कुछ टाइम बाद। इस वीडियो पे अगर 2K लाइक्स आते हैं तो पार्ट 2 जरूर आएगा, वो मैं ले आऊं या मायशा का। थोड़े से तो हैं 2K, आप तो कर सकते हैं। ओके वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय। बाय।